सम्मान करेगी, आदर सत्कार करेगी, और बाद में रही बात शादी की, तो तुम्हारी बेटी का विवाह होगा द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। तुम्हारे घर में कन्हैया तुम्हारे दामाद बन के आएंगे। जो नारद के शब्द भीष्मक ने सुने तो भीष्मक को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्यों बाबा जी, दोबारा कहना ऐसा नहीं है, शादी होगी। बोले हाँ, जब आती है प्रभु तो हमारी किस्मत बन जाएगी, हमारा घर पवित्र हो जाएगा, हमारा परिवार पवित्र हो जाएगा, और परिवार ही क्या, पूरा खानदान पवित्र हो जाएगा अगर कन्हैया के पैर पड़ते आंगन में। हमारी तो किस्मत ही बन जाएगी। अब रुक्मिणी जो है वो धीरे धीरे घर में बड़ी होने लगी, समझदार होने लगी। तो एक दिन रुक्मिणी दरवाजे पे खेल रही है अपनी सहेलियों के साथ, तो इनके द्वार से एक महात्मा जी कुछ गाते हुए निकले गए। धीरे धीरे गुनगुनाते हुए, कुछ गाते हुए आगे बढ़ती गई और बोले कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, है सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ अवतार कन्हैया का। गाते हुए निकले गए कि भगवान का अवतार हो गया। रुक्मिणी ने सुना तो रुक्मिणी अपने मन में अलग बात सोचने लगी, और रुक्मिणी के दिल में अलग बात आई कि अब मैं तो शादी करूंगी, शादी करूंगी तो कन्हैया से करूंगी, कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ